हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ रमेश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डबल ई रमेश कुमार। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी वीडियो में जो कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर को किस तरह जीरा ट्रिम करते हैं जो कि हमारा हार्ट कम्युनिकेटर से, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा जीरा ट्रिम करके दिखाऊंगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास हार्ट कम्युनिकेटर है और ये हार्ट कम्युनिकेटर को ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करूँगा और कनेक्ट करके जीरा ट्रिम करके दिखाऊंगा। और जीरा ट्रिम करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक जो वोल्ट मिली एम्पीयर की फ्लो का एक कैलिब्रेटर है और ये कैलिब्रेटर से मैं जीरा ट्रिम करके दिखाऊंगा कि और किस तरह जीरा ट्रिम करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स, अब ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर को जीरा ट्रिम किस तरह करते हैं मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। और मैं आपको बता देना चाहूंगा जो कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर को जीरा ट्रिम करने के लिए आपके पास रेजिस्टेंट डिकेट बॉक्स होना चाहिए। अगर आपके पास रेजिस्टेंट डिकेट बॉक्स नहीं है तो आप टेम्परेचर कैलिब्रेटर या फिर ये देखिए मेरे पास जो कि वोल्ट मिली एम्पीयर की कैलिब्रेटर है, आप इससे भी कर सकते हो। और किस तरह करते हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। और सबसे पहले चलिए ये जो हार्ट कम्युनिकेटर है और ये हार्ट कम्युनिकेटर से ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर को कनेक्ट कर देता हूँ। और कनेक्ट करके चलिए अभी मैं आपको इसके जितने सारे कॉन्फ़िगरेशन है ये जो हार्ट कम्युनिकेटर पे शो करना लग जाएगा और किस तरह शो करता है चलिए फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो 5 और 6 नंबर पॉइंट जो देख रहे हो, जिस पॉइंट से मैंने ये जो दो तार कनेक्ट कर रखा हूँ, ये जो है फ्रेंड्स ये थर्मोकपल की पॉइंट है। ओके, और थर्मोकपल की आउटपुट जो होता है फ्रेंड्स मिली वोल्ट होता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास जो कि मिली एम्पीयर वोल्ट मिली एम्पीयर जो कि कैलिब्रेटर है और ये कैलिब्रेटर से ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर को मैं मिली वोल्ट इंजेक्ट करूँगा। ओके, और इंजेक्ट करने से ये जो इसका सारे कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमारे हार्ट कम्युनिकेटर में शो करेगा, इसका टेम्परेचर और ये टेम्परेचर को किस तरह जो कि हमारे जीरो ट्रिम करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, और सबसे पहले चलिए इसके जो कि दो पॉइंट है, दो पॉइंट को मैं वोल्ट मिली एम्पीयर कैलिब्रेटर जो है कैलिब्रेटर के साथ अटैच कर दिया हूँ। और अभी मैं आपको ये हार्ट कम्युनिकेटर से मैं कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ। ओके, और चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें पावर सप्लाई दे देता हूँ और पावर सप्लाई देने के बाद इसमें कनेक्ट करूँगा। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए ये जो LED लाइट है, इसमें जब मैं पावर दूंगा और इसमें जो कि लाइट ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और चलिए यह हार्ट कम्युनिकेटर से मैं पावर सप्लाई दे देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा ट्रांसमीटर में पावर सप्लाई आ गया है, यानी कि देखिए इसमें जो कि रेड कलर की जो कि लाइट है ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो गया। ओके, और इसका मतलब ये जो हमारा ट्रांसमीटर की कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। और फ्रेंड्स, इसी तरह जो कि प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर और फ्लो ट्रांसमीटर, वो सब ट्रांसमीटर किस तरह कैलिब्रेशन करते हैं और ट्रांसमीटर की जो कि आउटपुट रेंज किस तरह कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि प्रोसेस वेरिएबल की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, वो सब वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ। और कुछ वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोग वो लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, और इसी तरह फ्रेंड्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया की लिंक जैसे कि फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे रखा हूँ, आप लोग मेरा इंस्टाग्राम लिंक के ऊपर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। ओके, और अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा हार्ट कम्युनिकेटर में यानी कि PV में देखिए फ्रेंड्स अभी एरर शो कर रहा है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, यानी कि प्रोसेस वेरिएबल में अभी इसमें सिग्नल आ रहा है, यानी कि टेम्परेचर शो कर रहा है। और अभी देखिए ये जो मेरे पास जो कि फ्लूक 715 जो कि वोल्ट मिली एम्पीयर कैलिब्रेटर देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें जो कि जीरो हो गया। ओके, यानी कि जीरो सिग्नल अभी ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर को दे रहा हूँ। और अभी ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर में देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आउटपुट में देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो ट्रैक्स में अभी 0.50 अभी इसमें टेम्परेचर शो कर रहा है। ओके, और ये 0.50 टेम्परेचर को हम इसमें जीरो ट्रिम करेंगे। ओके, और जीरो ट्रिम करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, अभी देखिए अभी इसमें जो कि 0.0 शो कर रहा है। ओके, और देखिए अभी आपको जीरो ट्रिम करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, डायल सेटअप पे जाना है। और देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा बैक कर देता हूँ सॉरी, और इसमें देखिए फ्रेंड्स डायल सर्विस पे आपको जाना है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको ट्रिम के ऊपर क्लिक करना है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें सेंसर ट्रिम और ये सिंगल पॉइंट सेंसर ट्रिम है। ओके, और ये सेंसर ट्रिम के ऊपर आपको क्लिक करना है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही ये सेंसर ट्रिम के ऊपर आप क्लिक करोगे, और अभी देखिए फ्रेंड्स 0.50 अभी इसमें आ रहा है। ओके, और अभी आपको क्या करना है, अभी इसमें जो कि जीरो पुट कर देना है। ओके, और जीरो पुट करने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपको सिंपली इसमें ओके कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ओके का ऑप्शन इसमें आ गया है, ओके कर देना है। और ओके करने के बाद चलिए मैं बैक कर देता हूँ, बैक करके दोबारा हम प्रोसेस वेरिएबल पर जाएंगे और चेक करेंगे इसमें जीरो हुआ कि नहीं हुआ। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर को जो सिग्नल दे रहा हूँ मैं वोल्ट मिली एम्पीयर कैलिब्रेटर से, इसे मिली वोल्ट सप्लाई दे रहा हूँ। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, अभी प्रोसेस वेरिएबल में देखिए फ्रेंड्स, अभी
इसमें जीरो हो गया, देखिए फ्रेंड्स जीरो हो गया, और जीरो पे देखिए फ्रेंड्स 4 mA इसमें शो करा है, एनालॉग आउटपुट देखिए फ्रेंड्स इसमें 4 mA शो करा है। ओके, और फ्रेंड्स जो कि मिली वोल्ट को टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है देखिए फ्रेंड्स स्टैंडर्ड चार्ट जो कि मिली वोल्ट टू टेम्परेचर आपको सर्च करना है, और आपको जो कि इसी तरह जो कि फ्लो का कैलकुलेशन आपको जो कि इसी तरह आपको जो कि शो होगा। ओके, और आपको इसमें मिली वोल्ट एंटर करना है और उसी अकॉर्डिंग आपको जो कि टेम्परेचर शो करेगा। ओके, और जितना मिली वोल्ट आपको इसमें एंटर कर रहे हो, यानी कि जितना मिली वोल्ट इसमें एंटर कर रहे हो उसी अकॉर्डिंग आपको जो कि टेम्परेचर शो करना चाहिए आपका जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर। ओके, अगर आपका टेम्परेचर ट्रांसमीटर में ये स्टैंडर्ड चार्ट के हिसाब से अगर टेम्परेचर ज़्यादा या फिर कम शो करता है तो आपका टेम्परेचर ट्रांसमीटर में एरर हो सकता है। ओके, और एरर सही करने के लिए आपको जीरो ट्रिम करना बहुत जरूरी है, और जीरो ट्रिम अभी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और उसी तरह फ्रेंड्स ऊपर ट्रिम किस तरह करते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, और सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें जो जो टेम्परेचर यानी कि मिली वोल्ट में एंटर कर रहा हूँ और जितना टेम्परेचर इसमें शो करता है यानी कि शो कर रहा है उसी हिसाब से फ्रेंड्स ये मिली वोल्ट को मैं ये टेम्परेचर कैलिब्रेटर देखिए फ्रेंड्स जो कि हमारा वोल्ट मिली एम्पियर कैलिब्रेटर से मिली वोल्ट इसी तरह इसमें इंजेक्ट करूंगा और देखेंगे इसमें कितना टेम्परेचर शो कर रहा है। ओके, और देखिए फ्रेंड्स अभी 10 मिली वोल्ट पे अभी इसमें 245 पॉइंट समथिंग इसमें टेम्परेचर शो कर रहा है। ओके, और आपको स्टैंडर्ड चार्ट के हिसाब से आपको मैच कराना है। ओके, और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे टेम्परेचर जो कि देखिए फ्रेंड्स इसमें धीरे धीरे मैं मिली वोल्ट इसमें इंक्रीज कर रहा हूँ, और उसी अकॉर्डिंग देखिए फ्रेंड्स आपको जो कि ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर उसी अकॉर्डिंग इसका आउटपुट में देखिए फ्रेंड्स जो कि टेम्परेचर इसमें धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और देखिए फ्रेंड्स ये जो हार्ट कम्युनिकेटर में ऊपर में जो कि पीवी लिखा है यानी कि प्रोसेस वेरिएबल में देखिए फ्रेंड्स टेम्परेचर किस तरह इसमें इंक्रीज हो रहा है। ओके, और धीरे धीरे आपको जिन पॉइंट में आपको टेस्ट करना है उसी पॉइंट में देखिए फ्रेंड्स आपको इसी तरह मिली वोल्ट आपको इंक्रीज कराना है, और उसी अकॉर्डिंग आपको जो कि आउटपुट में जो कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर की जो आउटपुट में आपको टेम्परेचर के साथ साथ इसमें देखिए फ्रेंड्स आपको मिली एम्पियर भी मिल जाता है। ओके, और इसी अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हमारे जो कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर को चेक करते हैं या फिर कैलिब्रेशन करते हैं। ओके, और इसी तरह फ्रेंड्स टेम्परेचर ट्रांसमीटर को धीरे धीरे मिली वोल्ट देना है, और उसी अकॉर्डिंग आपको जो कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर के जो आउटपुट में आपको जो टेम्परेचर मिल जाएगा, और उसी अकॉर्डिंग आपको जो कि मिली एम्पियर भी मिलेगा। ओके, आउटपुट में मिली एम्पियर मिलेगा। ओके, और इसी तरह फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बता रहा था अगर आपके पास टेम्परेचर कैलिब्रेटर होता तो देखिए फ्रेंड्स ये टेम्परेचर यानी कि मिली वोल्ट के जगह पे आपको डायरेक्ट ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर को टेम्परेचर इसमें देता है। ओके, और टेम्परेचर देने पे आपको सीधा पता चल जाता है कि इसमें कितना टेम्परेचर देने पे आपका जो ट्रांसमीटर जो कि आउटपुट में कितना टेम्परेचर दे रहा है, और उसी अकॉर्डिंग कितना मिली एम्पियर दे रहा है। ओके, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स, और सबसे पहले चलिए इसी तरह मैं ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर को मिली वोल्ट देता जाऊंगा और आपको दिखाते जाऊंगा ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर के आउटपुट में किस तरह जो कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ओके, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो कि इसका जो कि ऊपर रेंज जो कि किस तरह ट्रिम करते हैं वो भी मैं ट्रिमिंग करना दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, और फ्रेंड्स मैं जैसे ही मैंने आपको बता रहा था मेरे चैनल पे इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, आप लोग मेरा चैनल एक बार विजिट करके उस वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, और चलिए फ्रेंड्स देखिए अभी इसमें धीरे धीरे मैं जो मिली वोल्ट इसमें इंक्रीज कर रहा हूँ, और देखिए इसी अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर है टेम्परेचर ट्रांसमीटर के आउटपुट में देखिए फ्रेंड्स किस तरह जो कि टेम्परेचर इसमें इंक्रीज हो रहा है। ओके, और देखिए फ्रेंड्स टेम्परेचर ट्रांसमीटर में किस तरह इंक्रीज हो रहा है, और आपको पता है जो कि हमारा टेम्परेचर ट्रांसमीटर 4 to 20 mA इसका जो कि आउटपुट देता है, और अभी देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें 19.941 mA इसमें शो कर रहा है। ओके, जब इसमें जो कि 20 mA आ जाएगा और तब मैं ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर को ऊपर ट्रिम करूँगा। ओके, और ऊपर ट्रिम करना बहुत जरूरी है, अगर ऐसे नहीं करोगे तो आपका टेम्परेचर ट्रांसमीटर जो है प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ओके, और देखिए फ्रेंड्स इसी तरह आपको जो कि डायल सर्विस पे आपको जाना है, और डायरेक्ट सर्विस पे जाने पे देखिए फ्रेंड्स जिस तरह बता रहा था देखिए फ्रेंड्स आपको सिंगल पॉइंट सेंसर ट्रिमिंग पे जाना है, और सेंसर ट्रिमिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, और क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, और देखिए फ्रेंड्स आपको इसमें जो कि देखिए फ्रेंड्स आपको इसमें जो कि 1200 डिग्री इसमें सेट कर देना है। ओके, और ओके कर देना है, और ओके करने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस शो होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको राइट साइड में ओके का ऑप्शन आएगा, देखिए फ्रेंड्स आपको सिंपली ओके कर देना है, और ओके करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा जो कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर इसमें बिल्कुल जीरो ट्रिम और ऊपर ट्रिम जो कि कंप्लीट हो चुका है। ओके, और चलिए फ्रेंड्स अभी बैक करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें आपको जो कि कितना टेम्परेचर अभी इसमें शो कर रहा है। ओके, और आपको देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें जो कि 1200 डिग्री सेल्सियस यानी कि इसमें शो करेगा। ओके, और 1200 डिग्री पे आपको 20 mA इसका आउटपुट में देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें जो कि 1200 डिग्री सेल्सियस इसमें शो करे। ओके, और देखिए फ्रेंड्स इसी अकॉर्डिंग इसका जो कि एनालॉग आउटपुट देखिए फ्रेंड्स 20 mA इसमें शो करे। ओके, और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स इसी तरह टेम्परेचर ट्रांसमीटर को जीरो ट्रिम करते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।